पुलिस के एक थानाधिकारी की एक मुहिम आज एक और विद्यालय तक पहुंच गई, जहां राजसमंद में इन दिनों विद्यालय से अलग अलग ऐसी खबरें आती है जो चिंता का विषय है। मगर इस बीच राजसमंद के एक थानाधिकारी की पहल चर्चाओं का विषय भी बनी हुई है। यहां जिक्र राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाने के थानाधिकारी विशाल गवारिया का हो रहा है, जिन्होंने अभी एक मुहिम शुरू की है जिसके माध्यम से पुलिस और विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच में एक ऐसा सेतु स्थापित करना है, संवाद के माध्यम से एक ऐसा संबंध स्थापित करना है जिससे अव्वल तो उन बच्चों के साथ कोई गलत हरकत हो नहीं, और अगर हो तो उसकी जानकारी पुलिस तक सही समय पर पहुंच जाए। तो इस मुहिम के माध्यम से अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो केलवाड़ा थाने का बीट क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो थाने का क्षेत्र है, उसमें जहाँ जहाँ जो बीट प्रभारी है वो विद्यालयों में पहुंचे और उन बीट प्रभारी के साथ एक महिला कांस्टेबल भी हो, ताकि वहां जाकर छात्र छात्राओं से प्रत्येक विषय तक के बारे में बात की जा सके, उन तक हर एक कानूनी पहलू पहुंचाया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके। और इसमें मुख्य तौर पर वो गुड टच बैड टच से जुड़ी हुई तमाम बातें तो इन छात्र छात्राओं को बताते ही हैं, मगर उसके साथ साथ जो आए दिन ये छेड़छाड़ की और अलग तरीके की खबरें निकल कर आती है, उनसे सावधान रहने की, उनसे उनके प्रति जागरूक होने की, और अगर ऐसा कोई घटनाक्रम कहीं देखते हैं तो उसकी सही समय पर पुलिस तक जानकारी पहुंचाने की भी एक पूरी की पूरी वहां एक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तो ये एक बेहतरीन मुहिम है जिसके माध्यम से पूर्व में केलवाड़ा का जो विद्यालय है वहां जाकर पुलिस के द्वारा छात्र छात्राओं से बात की गई, और अब खबर यह भी निकल कर आ रही है कि कल बड़गांव के विद्यालय में भी पुनः इस मुहिम के दृश्य देखे गए। और ये जब पुलिस इन बच्चों के बीच में पहुंचती है तो एक बेहतरीन चीज़ और भी बनती है कि अमन पुलिस को लेकर कई बार इन विद्यालय के छात्र छात्राओं में एक डर होता है, एक भय होता है, तो शायद पुलिस उनके बीच में जाएगी और उनके हित की बात करेगी, बच्चों के भविष्य की, उनके जो विद्यालय के वातावरण की बात करेगी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की इस व्यवस्था पर उन बच्चों का और भी विश्वास कायम होगा, वो उनसे जुड़ेंगे तो शायद और भी कुछ बेहतर बातें, कुछ बेहतर पहलू इस पूरी की पूरी मुहिम से निकलेंगे। सुनिए आखिर इस पूरी मुहिम के बारे में केलवाड़ा थाने दे करी विशाल गवारिया क्या कुछ कहते हैं। जिले में लगातार ऐसी स्कूलों में अश्लील हरकतों से संबंध में टीचर जो हैं उसकी शिकायतें आती रह रही है, तो हमने एक प्रयास किया है कि बीट में जिस जो स्कूल्स पढ़ते हैं, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, जो बालिकाओं के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ होती है, कई बार बालिकाएं बोल नहीं पाती, तो हम प्रयास कर रहे थे कि महिला कांस्टेबल को भी स्कूलों में भेजकर उनको बेड टच गुड टच के बारे में बताएं, कांस्टेबल जाके उनको मोटिवेट करें बच्चों को कि इस प्रकार की अगर कोई हरकत उनके साथ करता है तो इमीडिएटली पुलिस प्रशासन को बताए। ये जो अभियान आपने चलाया कितने लंबे समय तक चलेगा और क्या दायरा रहेगा? इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, पर हमारा प्रयास ये है कि केलवाड़ा में जितनी स्कूल्स पढ़ती हैं उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारे स्कूल्स को टच कराएं और वहां पे महिला कांस्टेबल और बीट कांस्टेबल को भेजकर मोटिवेट करें। तो ये थे केलवाड़ा थानाधिकारी जो इस पूरी पूरी मुहिम के बारे में अपना पक्ष बता रहे थे, आखिर इनको क्यों शुरू करना पड़ा, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि कितने विद्यालयों तक ये पूरे की पूरी पहल पहुंचती है, क्या कुछ यहाँ से निकलता है, और क्या ये एक शुरुआत कहीं और भी देखी जाती है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।